नमस्कार। उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दिव्या और खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर गोवंश की उपेक्षा पर विपक्ष के सवाल, सरकार से की कड़ा कानून लाने की मांग। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का बयान, गोवंश को लेकर सरकार गंभीर, गौशालाओं के निर्माण को लेकर के विभाग जारी। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर गोवंश की उपेक्षा को लेकर के सरकार से कानून लाने की मांग की जा रही है। पशुपालन मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है, गौशाला के निर्माण को लेकर के बात की जा रही है। वहीं गोवंश की उपेक्षा पर जो है विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, सरकार से की कड़ा कानून इस पर लाने की मांग। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का बयान, गोवंश को लेकर के सरकार गंभीर। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं जहां पर गोवंश की उपेक्षा पर विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहा है। और वहीं स्वीप कार्यक्रम के तहत निर्वाचन विभाग की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय से दिव्यांग रथ रवाना किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना और स्वीप के नोडल अधिकारी अभिनव शाह ने वाहन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इस दौरान दिव्यांग रथ ने जनपद में भ्रमण करके दिव्यांग मतदाताओं को निर्वाचन विभाग की तरफ से दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। चमोली से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर दिव्यांग रथ जो है वो रवाना हुआ है। तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर जिलाधिकारी कार्यालय से ये रवाना किया गया है। लोगों को साथ ही जो है जागरूक किया जा रहा है इसी को लेकर के। और बता दें कि दिव्यांग रथ जो है ये रवाना हुआ है, जिलाधिकारी के नेतृत्व में हरी झंडी दिखाई गई, जिलाधिकारी कार्यालय से इसे रवाना किया गया है। ये देख सकते हैं तस्वीरें। और वहीं जबरेड़ा थाना क्षेत्र के अकबरपुर फाजलपुर गांव में बुजुर्ग महिला की सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है। मामले में पुलिस ने बुजुर्ग महिला की बहू और उनके उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। पुलिस अब दोनों से जो है आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश करने की तैयारी कर रही है। 15 फरवरी को बुजुर्ग महिला सावित्री देवी का शव उसके घर से मिला था। इस कड़ी में जांच पड़ताल में सामने आया कि महिला सावित्री देवी के बेटे और बहू के बीच काफी समय से अनबन चल रही है, साथ ही बहू के किसी अन्य युवक के साथ प्रेम संबंध होने की बात भी सामने आई है। ऐसे में बहू और बेटे के झगड़ों से परेशान आकर के सास की हत्या कर दी गई। ये झपरेड़ा थाने में अकबरपुर फाजिलपुर जो गांव है वहां पर 15 तारीख को एक मृतका जिसका नाम सावित्री है वो उसकी जब बॉडी प्राप्त हुई थी पुलिस ने इसको संज्ञान में लिया था। जब पंचायतनामा की कार्रवाई में ये बात क्लियर हुई थी कि इसके गले में कुछ लिगेचर मार्क दिखाई दिए थे, पुलिस ने तत्काल उससे संज्ञान में लेते हुए पीएम के लिए भेजा था। जब पीएम रिपोर्ट आने तक पुलिस ने इसमें 302 में इसको तरमीम किया गया। उसके बाद जब पुलिस ने परदर पर इसको आगे जाना विवेचना में तो पता लगा कि ये जो सावित्री देवी है ये अपनी बहू जिसका नाम लक्ष्मी है उसके साथ इसका बार बार मनमुटाव था। खासकर वो जो उसकी बहू है लक्ष्मी उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक जॉनी नाम के युवक से चल रहा था। और वही चक्राता त्यूणी अटाल मोटर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा होने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी के शवों को गहरी खाई से निकाल करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये हादसा तब हुआ जब परिवार चक्राता के चंदौ गांव से दसों की तरफ जा रहा था, लेकिन त्यूणी अटाल मोटर मार्ग पर चालक कार से नियंत्रण खो बैठा और कार गहरी खाई में जा गिरी, जिसके चलते राहगीरों और ग्रामीणों की सूचना पर एसडीआरएफ और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। ये हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे तक उड़ गए और कार में सवार 2 बच्चों समेत 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और वहीं परिवहन विभाग के सौजन्य से सिडकुल स्थित एक निजी होटल में फर्स्ट रिस्पॉन्डर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट, वाहन चालक, विद्यालय के छात्र छात्राएं और प्रवर्तन दल ने भाग लिया।
आरटीओ शैलेश तिवारी ने लोगों से रेड लाइट जंप न करने, तेज गति से वाहन न चलाने, वाहन में अधिक क्षमता से भार न ले जाने और वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करने और साथ ही नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करने की अपील की। प्रशिक्षण कार्यक्रम में एआरटीओ रश्मि पंत ने कहा कि किसी भी सड़क दुर्घटना के समय पीड़ित व्यक्ति को सबसे पहले सहायता उपलब्ध कराने और पीड़ित व्यक्ति का जीवन बचाने में फर्स्ट रिस्पॉन्डर को महत्वपूर्ण उसकी भूमिका होती है। आज परिवहन विभाग हरिद्वार के सौजन्य से एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग का प्रोग्राम आयोजित किया गया है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर वो व्यक्ति होता है जो दुर्घटना की स्थिति में सबसे पहले मदद के लिए आगे आता है। तो एक हमारे विभाग का ये है कि हम अधिक से अधिक फर्स्ट रिस्पॉन्डर तैयार करें। हम लोग एम्स ऋषिकेश में भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम लोग आरटीओ ऑफिस में भी दे रहे हैं। आज यहाँ हम लोगों ने सिडकुल में एक बड़ा प्रोग्राम किया है फर्स्ट रिस्पॉन्डर का। लगभग 100 से अधिक बच्चे इसमें और स्वयंसेवक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें हम लोग लोगों को बता रहे हैं कि जब दुर्घटना हो जाती है हमें क्या करना चाहिए। दुर्घटना के बाद का एक घंटा गोल्डन आवर होता है, इस समय हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। जो अभियान है ये परिवहन विभाग द्वारा पूरे वर्ष भर चलाया जाता है, उसी प्रोग्राम के तहत ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग आयोजित की गई है। इसमें आज लगभग 150 प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें 100 बच्चे ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय से हैं और इसके अलावा हमारे जनपद के 50 आपदा मित्र हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के साथ रजिस्टर्ड हैं। तो ये प्रोग्राम हमारा लगातार चलता रहता है और आगे भी हम इसको पूरे जनपद में कराते रहें। जिनसे हम यही अवेयरनेस देना चाह रहे हैं, जो नियम में चेंज हुआ है अब कि किसी भी दुर्घटना पीड़ित की मदद करने पर अब जो मदद करने वाला व्यक्ति है उससे पूछताछ नहीं की जाएगी, ये सारे नियमों की जानकारी हम बच्चों को दे रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और वही उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट सत्र में प्रदेश सरकार ने 89,203 करोड़ रुपए का बजट सदन में पेश किया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और किसानों पर जोर दिया गया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि सरकार का कोई भी काम धरातल पर नहीं दिखता है और इस बार का बजट बेहद निराशाजनक बजट है, जो कि सिर्फ कट कॉपी पेस्ट वाला बजट है। देहरादून से खबर जहां पर नवीन जोशी ने निशाना साधा है, बजट को लेकर के निशाना साधा और कहा कि इस बार का जो बजट है वो बेहद निराशाजनक है। बजट से जो विपक्ष है वो नाखुश दिखाई दे रहा है। बता दें कि 89,000 करोड़ का जो है बजट सरकार के द्वारा पेश किया गया है और इस बजट को विपक्ष लगातार निराशाजनक बता रहा है। देखिए, इस बार जो बीजेपी ने बजट पेश किया है वो बहुत ही निराशाजनक बजट है। कोई इसमें ऐसा उन्होंने शामिल नहीं किया है जिनको इनकी उपलब्धि किया जा सके। ये कॉपी पेस्ट करके जो पुराना बजट है उसी को ये आगे लेके आ रहे हैं। जो राज्यपाल का अभिभाषण होता है उसमें सरकार का रोड मैप तैयार होता है कि सरकार आगे क्या योजनाएं करने वाली है और क्या उनके फ्यूचर में प्लानिंग है। ऐसी कोई भी इसमें योजना नहीं है जिसमें हम कहें कि महिलाओं के उत्थान के लिए कोई योजना बनाई गई हो, कानून व्यवस्था के लिए कोई योजना बनाई गई हो, जो हमारे बेरोजगार साथी हैं उनके उत्थान के लिए कोई योजना बनाई गई हो, पलायन रोकने के लिए कोई योजना बनाई गई हो, ऐसी कोई योजना और इस बजट में हमको देखने को नहीं मिली। कुल मिलाकर ये जो बजट है पूरा निराशाजनक है, इससे राज्य की जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं। वक्त तो जरा छोटे से ब्रेक का लेते हैं, फिलहाल ब्रेक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में पर्यटन, उद्योग और अन्य व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र गति से विकास होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया, साथ ही उत्तराखंड के सभी रेल नेटवर्कों का विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा होगा।
गया है। प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगभग 16,000 करोड़ की लागत वाली ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना से हर्रावाला रेलवे स्टेशन का 30 करोड़ रुपए, रुड़की रेलवे स्टेशन का 29 करोड़ रुपए और लालकुआ रेलवे स्टेशन का 23 करोड़ रुपए से कायाकल्प किया जा रहा है। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों को जोड़ने वाली टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के सर्वे पर भी सहमति दी जा चुकी है। रेलवे ने बजट 2023-24 में उत्तराखंड को 5,004 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इसमें हरिद्वार और देहरादून रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करते हुए इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रूफटॉप का निर्माण किया जाएगा। मजबूत रेल नेटवर्क बन रहा है प्रगति और आधुनिकता का प्रमाण। डबल इंजन सरकार कर रही है सशक्त उत्तराखंड का निर्माण। ब्रेक के बाद खबर में आगे बढ़ते हैं। जो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायक के द्वारा बीजेपी प्रत्याशी को मतदान किए जाने पर उत्तराखंड के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसके साथ ही उत्तराखंड में सब कुछ सामान्य है और यहां पर इस तरह का वातावरण नहीं है। देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड राज्य की आप बात कर रहे हैं, उत्तराखंड राज्य में इस तरीके का कोई खतरा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में हुआ है निश्चित रूप से, बहुत दुखद भी है और मैं समझता हूँ कि वहाँ का नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से इस पर जो है आगे क्या कदम उठाना है सोचेगा और तदनुसार आगे। और वही खबर हरिद्वार से है, जहां पर खानपुर विधायक उमेश कुमार ने देवपुरा पहुंचे, जहां विधायक उमेश कुमार का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं विधायक ने मसीह समाज को संबोधित किया और कहा कि सेवा, समर्पण और दया सिखाने वाले मिशनरियों ने विश्व को नई दिशा दी है। मसीह समाज की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है, जिसके चलते इस समुदाय को प्रार्थना सभा से लेकर के अपने पर्व और सामुदायिक कार्यक्रम करने के लिए कई दिक्कतें होती है। विधायक ने कहा कि अब सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मसीह समाज के युवाओं की भी शादी कराई जाएगी। देखिए, मेरे लिए तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सभी एक समान है। ये ईश्वर तक जाने के, ईश्वर की प्रार्थना के माध्यम हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर एक है। तो हम तो सर्वधर्म में विश्वास रखते हैं, उसी का एक माध्यम था आज, एक इन लोगों ने मुझे आमंत्रित किया था और सभी से मिलना जुलना हुआ और मुलाकात हुई, अच्छा लगा। वही हेली सेवा शुरुआत के बाद से अब पर्यटन स्थलों को हेली राइड से जोड़ने का सिलसिला जारी है। जिला प्रशासन नोकुचियाताल के हेलीपैड को तैयारी करने में जुटा हुआ है, जिसको पर्यटन के साथ ही दूसरे काम में इस्तेमाल किया जा सके। इस हेलीपैड में सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है, हालांकि कुछ पेड़ों के चलते इस हेलीपैड के काम में दिक्कतें भी आ रही हैं, जिसके लिए शासन को पत्र भेजा गया है। नोकुचियाताल के हेलीपैड के लिए शासन से धनराशि का शासनादेश हो गया है और इसमें कुछ पेड़ इत्यादि का इशू आ रहा था, जिसकी वजह से फॉरेस्ट की तरफ से कुछ आपत्तियां व्यक्त की गई थी। अभी शासन स्तर पर एक बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि जिस हिस्से में पेड़ नहीं है, वहां पर कार्यदायी संस्था तत्काल कार्य प्रारंभ करेगी, जिसके क्रम में विभाग ने अपनी एक्टिविटी शुरू भी कर दी है। नोकुचियाताल का हेलीपैड तो पहले से ही बना हुआ है वहां पर और वो काफी समय से उसको कवरेज में नहीं लेने के कारण वो आज जीर्ण शीर्ण हालत में है और उसके लिए तो पूर्व से प्रस्तावित है, उसमें सरकार की जो भी योजना होगी क्षेत्र के लिए हितकारी ही रहेगी, क्योंकि हमारा भीमताल क्षेत्र जो है एक पर्यटन से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर हॉली कप्टर सेवा से जोड़ने से इस क्षेत्र को विकास के पंखे लगेंगे। हेलीपैड निर्माण के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? हेलीपैड निर्माण के लिए सरकार को जल्द से जल्द स्थलीय निरीक्षण करने चाहिए और यहाँ जैसे कि पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार के समय से भीमताल आणू में यहाँ हेलीपैड उतरते आए हुए हैं, इस क्षेत्र को चयनित करना चाहिए। इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों को चयनित करना चाहिए और हेलीकॉप्टर क्षेत्र सेवा से इस क्षेत्र को जोड़ा जाना चाहिए।
वहीं कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में सेवारत रहे कोविड 19 कर्मचारियों ने बुधवार को विधानसभा का कूच किया, जिसको लेकर कोविड 19 कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संतोष राणा ने कहा कि कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर सेवा देने का हमें ये परिणाम मिला कि 241 दिनों से हम धरना दे रहे हैं और बीते 110 दिनों से हम भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारी केवल एक ही मांग है कि हम 900 कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग में पुनः समायोजित किया जाए, जिससे कि हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके। 241 दिनों से हमें धरना स्थल मिल रखा है, वो भी वो दौर में काम करके कि जब हम अपने अपनों को नहीं छोड़ रहा था, उस कोविड दौरान में हमने काम करा, उस कोरोना के दौरान हमने काम करा जब अपने अपनों को नहीं देख रहा था, अपने माँ बाप को नहीं छोड़ रहा था क्योंकि कोरोना था, महामारी प्राण जा रहे थे उससे, तो हमने अपने घर बार छोड़ के हम उस आग में कूदे। उस कोरोना में काम करने के बाद, 3 साल लगातार काम करने के बाद आज हमें ये मिल रखा है। 110 दिन की हमारे लगातार भूख हड़ताल चली, 241 दिन हमें लगातार हो चुके हैं। हमारी एक ही मांग है कि हमें स्वास्थ्य विभाग में समायोजन कर दिया जाए। हमारी रोजी रोटी चलाइए, सरकार किस लिए बनी है? केवल रोजी रोटी चलाने के लिए, रोजगार देने के लिए? हमारा रोजगार छीना जा रहा है। खबरों में बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। मेरा विश्वास है ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है और जो भारत को देखना चाहता है वो उत्तराखंड आए बिना भारत को देखना उसका पूरा नहीं हो सकता। डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में समृद्ध बनाने की दिशा में कई समावेशी विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कुमाऊं भ्रमण के दौरान प्रदेशवासियों को लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिससे सरकार द्वारा संचालित कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, पेयजल व खेल आदि क्षेत्रों को गति मिलेगी, जिनका प्रत्यक्ष लाभ राज्य के निवासियों को प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन से उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को नया आयाम तो मिला ही है। साथ ही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की महत्वाकांक्षी मानस खंड मंदिर माला परियोजना को नया संबल मिला है। इससे पूरे राज्य में रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे और स्थानीय निवासियों की आय में बढ़ोतरी होगी। डबल इंजन सरकार ने लिया है प्रण, उत्तराखंड को विकसित राज्य बना आएंगे हम। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान मायाकुंड से एक युवक को धारदार चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। अवैध रूप से चाकू रखने के आरोप में पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल पहुंचा दिया है। वहीं कोतवाल शंकर सिंह बिस्ट ने बताया कि संदिग्धों पर नजर रखने के लिए पूरी रात शहर में पुलिस ने अलग अलग टीम बनाई और गश्त करती रही। इसी कड़ी में त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी विनोद कुमार ने मायाकुंड में संदिग्ध रूप से घूम रहे एक युवक को तलाशी के लिए रोका, चेकिंग की तो युवक के कब्जे से पुलिस को धारदार चाकू बरामद हुआ। वहीं युवक की पहचान देवमंडल निवासी ऋषिकेश के रूप में की गई है। खबर चक्राता से है, जहां के त्यूणी अटाल मोटर मार्ग पर सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। जानकारी के मुताबिक पूरा परिवार कार से चक्राता के चंदौ गांव में दंसों की तरफ जा रहा था। इसी दौरान त्यूणी अटाल मोटर मार्ग पर चालक कार से नियंत्रण खो बैठा और कार गहरी खाई में जा गिरी। SDRF और रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद कार को खाई से बाहर निकाला। खबर नैनीताल से है, जहां सेंचुरी पल्प और पेपर वर्क्स यूनियन का विधिवत चुनाव होने के बाद यूनियन का पुनर्गठन हो गया है, जिसमें कैलाश चंद्र मेलकानी अध्यक्ष जबकि कैलाश चौसाली महामंत्री निर्वाचित हुए हैं।
बीते 13 फरवरी को हुए चुनाव के बाद पदाधिकारियों की घोषणा की गई, जिसमें नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को वर्करों ने माल्यार्पण कर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान अध्यक्ष कैलाश चंद्र मेलकानी ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसका वे पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ पालन करेंगे और श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट के साथ वार्ताओं के माध्यम से उनकी सभी प्रकार की समस्याओं का निस्तारण करने का काम करेंगे। वहीं महामंत्री कैलाश चौसाली और संदेश कुमार सिंह ने कहा कि वह विगत कई वर्षों से महामंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और उन्हें और नए ऊर्जावान अध्यक्ष से भी बहुत उम्मीदें हैं। हमारे सत्तावन सदस्य संगठन के जो स्वर्गीय श्री देवकीनंदन सोहैल जी ने के सानिध्य में जो काम करने का मौका मिला, उसमें उनकी सीख थी कि श्रमिकों के लिए हमेशा संघर्षरत रहना, यही हमारी विजय होगी। उसी उन्हीं की भावना पर हमारा पूरा संगठन काम करता आ रहा है और करता रहेगा। अध्यक्ष से हमें युवा होने के नाते बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, वैसे भी ये कांटों भरा ताज है। श्रमिक उनका हमारा मानना है कि हम सभी श्रमिक साथियों संगठन को लेकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, यही हमारी जीत। पाल जी के जाने के बाद संगठन में काफी योजना थी कि हम नया अध्यक्ष किसको बनाएं, तो कार्यकारिणी और हमारे प्रतिनिधि ने मिलजुल कर एक अध्यक्ष बनाया जो कि हमारे कैलाश मलकानी जी और हमारे योग्य जो योग्यता के उसमें कहा जाए तो हमारे कैलाश चौसाली जी। और ये जो एग्रीमेंट का टाइम है, ये एग्रीमेंट है जो मजदूरों का है, तो इस पे हमारे अध्यक्ष जी और मंत्री जी जितना खड़े उतरे वो हमारे कर्मचारी, हमारे ठेका श्रमिक सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये कांटों भरा ताज है, लेकिन सभी लोगों ने बड़े ही विश्वास और बड़ी ही उम्मीदों के साथ हमको अध्यक्ष और हमारे महामंत्री जी कैलाश चौसाली जी को नियुक्त किया है। निश्चित रूप से हमारा यही कहना है कि हम प्रबंधकों के साथ मिल करके उनके साथ टेबल टॉक कर करके श्रमिकों की जो समस्याएं हैं, आने वाला एग्रीमेंट है, इस पे हम निश्चित रूप से सभी बाकी 5 श्रम संगठनों के साथ मिलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक अच्छे से अच्छा समझौता कराने का भरसक प्रयास करेंगे और ईमानदारी से। खबरों में बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। सैनिकों के कल्याण के लिए हर वक्त तत्पर है उत्तराखंड सरकार। पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की सेवाओं में दिया गया है क्षैतिज आरक्षण। शहीद सैनिकों के परिजनों को सरकारी सेवाओं में सेवायोजन में वरीयता देने का किया गया है प्रावधान। शहीदों की पत्नियों और उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए दिया जा रहा है कौशल वृद्धि एवं रोजगार परक निःशुल्क प्रशिक्षण। युद्ध में घायल सैनिकों और परिजनों को एक मुश्त दी जा रही है 2,00,000 रुपए की सहायता। विभिन्न युद्धों और आंतरिक सुरक्षा व सीमांत झड़पों में शहीद सैनिकों के आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष से दी जा रही है 1,10,00,000 रुपए की धनराशि। उत्तराखंड बन गया है वीर सैनिकों को सबसे अधिक अनुदान देने वाला राज्य। उत्तराखंड के वीरों का देश के लिए शहादत में बड़ा योगदान रहा है, ये वीरों की भूमि है। हम शहीदों के परिजनों के लिए हर सुविधा देने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। सरकार से मिले सम्मान और सुविधाओं से लेकर सैनिक हैं बेहद खुश। राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के लिए अनेक सी योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिसमें कि गृह कर में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, स्कॉलरशिप में छूट और राज्य दिन सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार अपने रणबांकुरों की याद में उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में बनाने जा रही है सैन्य धाम। सैन्य धाम निर्माण के लिए शहीदों के आंगन से लाई गई मिट्टी को सैन्य धाम में बनने वाली अमर जवान ज्योति की नींव में रखा गया है। देव भूमि के साथ ही वीर भूमि भी है उत्तराखंड। सैनिकों का सम्मान है देश का सम्मान। ब्रेक के बाद खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां खबर देहरादून से है। संसदीय कार्य और वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि यह बजट अग्रणी उत्तराखंड की अवधारणा पर आधारित है। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी अवधारणा है कि सभी प्रदेशवासियों का और सभी क्षेत्रों का विकास करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सरकार का प्रयास है कि गांव से लेकर शहर को विकसित किया जाए। विकास का ये मॉडल इकोनॉमी, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और अकाउंटेबिलिटी पर आधारित है। ये पारदर्शिता और दक्षता, नागरिकों के लिए बेहतर जीवन, सुगमता और कारोबारी सुगमता पर समर्पित बजट है। यह बजट एक ऐसी अवसंरचना का निर्माता है जो कि वर्तमान के साथ साथ भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रख करके निर्मित होगा। ये बजट यहाँ प्रस्तुत किया गया
मैं एक ही बात कह सकता हूं कि हमारे जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र के साथ हमने इस बजट में गरीब को, युवा को, अन्नदाता को, किसान को, इनको समर्पित ये समावेशी समग्र बजट हमने प्रस्तुत किया है। और आप जानेंगे कि हमारे सरकार ने इसमें गरीब कल्याण के लिए लगभग 5658 करोड़ का प्रावधान। उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे थे आप, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।